खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कहें कि नेशनलिज्म खत्म हो गया है, ऐसा नहीं है। इट इज देयर। जो चीज़ें हम ज़्यादातर नेगेटिव भी सोचते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव हो रहा है उसके बारे में भी सोचिए, जो अच्छा हो रहा है उसके बारे में भी बात करें। मेरे से सिर्फ संगीत की बात करिए। नो नो, टॉक अबाउट म्यूजिक प्लीज। चीज़ें होती है, प्यार की बातें हैं और सैडनेस की बातें हैं और नाचने गाने की बातें हैं, लेकिन ये गाना इन सारी चीज़ों से बहुत हटके है, लेकिन फिर भी इसमें उतनी ही बड़ी रूह है जितनी किसी भी एक दूसरे अच्छे गाने में होती है। इस गाने को बहुत अच्छा लिखा है सईद कादरी साहब ने। तो जब भी अपना कलम उठाते हैं तो कुछ ना कुछ कमाल कर देते हैं। एंड मिथुन एक बहुत ही प्योर सोल है, एक बहुत ही अच्छे इंसान है, और उनकी जो अच्छी इंसानियत है वो उनके म्यूज़िक में दिखाई देती है, इसलिए उनके साथ काम करके मुझे बहुत मज़ा आता है। तो मरहम, मुझे मैं ये पूछना नहीं चाहूँगा आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि थैंक यू कि आपको गाना अच्छा लगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए, एक स्पिरिट होती है जब इंसान काम करता है तो उसके अंदर अलग अलग तरह की स्पिरिट्स होती है, जैसे एक कॉम्पिटेटिव स्पिरिट हो गई या ऐसी स्पिरिट हो गई। मुझे लगता है कि जो कॉम्पिटिशन होता है वो आर्टिस्ट के लिए बना ही नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि जब बहुत सारे आर्टिस्ट मिल करके साथ में एक काम करते हैं और कुछ क्रिएट करते हैं तो उसमें उनकी पूरी जर्नी सुनाई देती है और एक कमाल का एक कंटेंट बन के आता है जो शायद वही दो लोग साथ में मिलके बना सकते थे। तो अगर इस गाने को फिर से करना पड़े, आई वुड नॉट डू इट एनी अदर वे। आई वुड वॉन्ट सुखी बाजी, आई वुड वॉन्ट गॉड्स विल, आई वुड वॉन्ट मिथुन, आई वुड वॉन्ट माई सेल्फ, आई वुड वॉन्ट कादरी साहब, आई वुड वॉन्ट दिस होल टीम टू कम अगेन एंड डू दिस सॉन्ग, एंड दैट्स व्हाट मरहम इज। देश को यूनाइट करने के लिए, एंड द आइडिया इटसेल्फ वाज सो ग्रेट, एंड आई नो शैलेंद्र सिंह सो मेनी इयर्स, तो उसकी कैपेबिलिटी में पूरा विश्वास था और मुझे पूरा भरोसा था कि इसी तरह का ये सॉन्ग बनेगा। और देखने के बाद में आप सब लोगों ने देखा होगा, इट वाज अ ग्रेट सॉन्ग, और ये डेफिनेटली हम लोग बिलीव करते हैं कि ये पूरे देश को एक करेगा। और इनफैक्ट हमारे सियाराम की जो वैल्यूज़ है, सियाराम का जो कम होम टू सियाराम, कम होम टू इंडिया, उससे काफ़ी मैच करता है, एंड वी आर वेरी प्राउड दैट वी आर एसोसिएटेड विद दिस सॉन्ग। मुझे ऐसा लगता है कि हर भारतीय अपने देश से बहुत प्यार करता है, हम सबको अपने देश पर बहुत फ़ख्र है। मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में ऐसा देश नहीं है। हम बचपन से यही सीखते हुए आया है कि सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, और एक म्यूज़िक कंपोज़र होने के नाते एक करियर जी चुका हूं मैं, और मेरे दिल में आया कि मैं एक ऐसा एक गीत लिखूं जो हमारे देश को समर्पित हो और हमारे देश को के जलाल के बारे में हो। स्पीक्स अबाउट द गुडनेस ऑफ इंडिया एंड द स्ट्रेंथ ऑफ आवर कंट्री। और उसी दौरान मुझे शैलेंद्र सिंह अप्रोच मी एंड आई वॉज इन अ सिमिलर जोन, और मिलके हमने उसी मकसद से इस गाने को बनाया है विद नो कमर्शियल एजेंडा बिहाइंड इट। यही ब्रीफ दिया गया था कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी एकता है, और हम एक थे, एक है, हमेशा एक ही रहेंगे, और उस दिल को, उस एकता को बनाए रखने के लिए प्यार बहुत ज़रूरी है। तो गाना प्यार की बात करे, मोहब्बत की बात करे, कंपैशन की बात करे, और टुगेदरनेस की बात करें, तो उस जज्बे को स्टोर करना चाह रहा था मैं, और उसी को रख के हमने जो है हिंदी में, पंजाबी और अंग्रेजी का भी इस्तेमाल करके ये गाना बनाया। टू मी एकता हर दौर में इम्पॉर्टेंट है मेरे भाई, यू नो आई थिंक यूनिटी हैज़ ऑलवेज बीन आर स्ट्रेंथ। हम लोग जब स्कूल में थे हमको सिखाया गया था कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, हम लोग को स्कूल में ये बातें सिखाई गई थी। तो बैक देन ऑल्सो 50 ईयर्स बैक, टुडे 100 ईयर्स लेटर, दिस कंट्री विल ऑलवेज स्टैंड ऑन इट्स यूनिटी, दैट शुड ऑलवेज बी सेलिब्रेटेड एंड चेरिश्ड। हम सब ने एक्सपीरियंस किया इस गाने के थ्रू, उसका जो पावर है वो पावर किसी भी और चीज़ को रिप्लेस नहीं कर सकता। वो एजेंडा हमें कभी हटाना नहीं चाहिए, उससे फोकस नहीं हटना चाहिए, वो है मोहब्बत। एंड आई थिंक जो मिठुन ने गाना बनाया, और मुझे लगता है कि जैसे कहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री में सब पैसे के लिए काम करते हैं, मिठुन ने ये गाना दिल से, मोहब्बत से बनाया, और हमारी कोशिश यही है कि सब हिंदुस्तानी 1.4 बिलियन पूरे वर्ल्ड में इस गाने को एंजॉय करें और शेयर करें।